नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर रही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको पता है 243 विधानसभा सीटों पर बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी और उसके पहले तीन चरणों में चुनाव होंगे। 122 सीट वो बहुमत का आंकड़ा है, वो जादुई आंकड़ा जहाँ तक सब पहुँचना चाहते हैं। दोस्तों अगर जो आप चाहते हैं कि आपको बिहार विधानसभा चुनाव का पल पल का अपडेट मिले तथा आपको पता चले कि आपके विधानसभा सीट से कौन चुनाव जीत रहा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में कमेंट बॉक्स में अपने विधानसभा सीट का नाम कमेंट करके बता दो। दोस्तों ये खबर जो निकल के आ रही है वो LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के एक बयान के बाद निकल के आ रही है। दोस्तों हम बता दें, चिराग पासवान की पार्टी इस टाइम पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो LJP पार्टी है। इसके पहले जो पार्टी के संस्थापक थे रामविलास पासवान, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद पार्टी को सहानुभूति में बहुत सारे वोट मिल सकते हैं, तथा मैंने भी ओपिनियन पोल में बताया था कि 12 से 14 सीटें LJP पार्टी को मिलती हुई दिख रही थी। हम बता दें इस बार बिहार में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको पता है LJP पार्टी है जो जिसके अध्यक्ष इस टाइम चिराग पासवान है, वो केंद्र सरकार में BJP के साथ गठबंधन में है, यानी कि NDA सरकार में, लेकिन राज्य में जब चुनाव हो रहा है तो वो NDA से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। NDA में बता दें हम आपको, इस टाइम जीतन राम मांझी जो नीतीश कुमार की पार्टी है, JDU और BJP साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बात करें LJP ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो सिर्फ JDU के खिलाफ उतारे हैं, ना कि BJP के खिलाफ। यानी कि साफ साफ चिराग पासवान का कहना कि वो BJP के खिलाफ नहीं है, वो नीतीश कुमार के खिलाफ है। हालांकि मान लीजिए आपको 20 से 25 सीटें भी नीतीश LJP के चिराग पासवान जीतने में कामयाब हो पाते हैं, और यहाँ पे 10 से 15 सीटें कम रह पाती हैं नीतीश कुमार के पास या BJP के पास, तो देखने वाली बात होगी कि जो चिराग पासवान है वो किसको समर्थन देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या बयान दिया था यहाँ पे चिराग पासवान ने। तो चिराग पासवान ने बुधवार को साफ साफ कहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, हमारी कोशिश है कि देश में जो BJP है उसी के नेतृत्व में सरकार बने। वो उनका मतलब यह है कि वो BJP को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन BJP बिहार में किसको सपोर्ट कर रही है, वो JDU के साथ बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार हमारे बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ रहे हैं। देखना यह है कि अगर जो BJP ज़्यादा सीटें जीत जाती है और BJP और LJP मिलकर जो बहुमत का आंकड़ा है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो क्या BJP नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं, तो ये बड़ा सवाल होगा यहाँ पे सामने। अब बात कर लें इसमें और क्या कहा इन्होंने। चिराग पासवान ने कहा कि मैं भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहता हूं, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व में ही राज्य का विकास हो सकता है। भाजपा के नेता लोगों की जाति सोशल इंजीनियरिंग में उलझा के नहीं रखते, विकास के लिए कठोर से कठोर निर्णय भी लेते हैं। उन्होंने बुधवार को अपने आवास पर मीडिया के लोगों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि नाली गली बनाना ही उपलब्धि नहीं है। चिराग ने कहा कि उनके पापा ने भी कहा था कि तुम युवा हो और युवा अकेले चुनाव लड़ते हैं, डरते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें चिराग पासवान ने कही, तथा चिराग पासवान ने जो बड़ी बात कही इसमें ये कहा कि वो BJP के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इसके पहले ये भी कहा है कि उनका जो झगड़ा है वो नीतीश कुमार से है। तो देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाद यानी कि 10 तारीख के बाद क्या होता है। दोस्तों बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।